आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज एमडेन में। दोस्तों बात करने वाली है TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, मैंने कल के चार्ट एनालिसिस में ये बताया था कि कल बड़ा सर्किट आप लोगों को नजर आ सकता है, रिटर्न्स में रिकवरी नजर आने वाली है, तो फिर से चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और क्वार्टर फोर का जो डाटा है वो कब तक रिलीज होने वाला है उसके बारे में भी एनालिसिस करने वाले हैं और एक्सपर्ट की क्या राय देखने को नजर आ रही है कि इसमें क्वार्टर फोर में कितना बड़ा प्रॉफिट नजर आने वाला है। तो उसी के आधार पर दोस्तों आज के एनालिसिस यहाँ पे रहने होने वाली है। फिलहाल एक टाइम दोस्तों आज की प्राइस के अगर ओपनिंग की अगर यहाँ पे बात आई दोस्तों 60 रुपये 70 पैसे के साथ ओपनिंग नजर आई थी दोस्तों, और उसी भी से यहाँ पे देखा जाए तो शेयर की जो जंप है दोस्तों वो 65 रुपये 25 पैसे तक एक बार फिर से रिकवर होती हुई नजर आई। मार्केट कैप में दोस्तों एक बार फिर से इजाफा होता हुआ नजर आया, क्योंकि दोस्तों हमने कल 11.85 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैप देखा था, आज 12.21 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। एक बार फिर से मार्केट कैप में इजाफा होता हुआ नजर आया दोस्तों। फिलहाल एक टाइम उसी बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों आज का जो चार्ट जो देखने को नजर आएगा उसमें 1.80 रुपये का जंप नजर आने वाला है और 3% के रिटर्न्स में रिकवरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो फंडामेंटल दोस्तों धीरे धीरे वापस से रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। चार्ट एनालिसिस का एक बार फिर से बड़ा संकेत यहाँ पे नजर आ रहा है, लगातार सर्किट अब बड़ा देखने को नजर आ सकता है दोस्तों। अब उस बीच अगर पिछले 5 ट्रेड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसमें 60 पैसे का जंप ऑलरेडी नजर आने वाला है और 0.97% लगभग 1% की दोस्तों रिटर्न में रिकवरी नजर आने वाली है। जिस प्रकार दोस्तों फंडामेंटल रिकवर होता हुआ नजर आया, आज अचानक तो तेजी देखने को मिली, अब यहाँ पे जिस प्रकार से रिकवरी होती हुई नजर आ रही तो उस प्रकार देखते हो दोस्तों शेयर में बड़ा जंप नजर आने वाला है, बड़ा सर्किट आप लोगों को जल्द ही नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों लगातार शेयर धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आने देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों एक महीने का फंडामेंटल देखे तो उसमें रिकवरी एक बार फिर से नजर आ रही है, 5 रुपये 15 पैसे का जंप नजर आएगा और 9% के रिटर्न में रिकवरी ऑलरेडी नजर आ रही है। अब धीरे धीरे दोस्तों कंपनी की जो सेंटीमेंट है वो भी रिकवरी की तरफ बढ़ रही है और मार्केट कैप में भी इजाफा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर फोर को दोस्तों जिस प्रकार का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आउटलुक्स जो देखने को मिल रही है दोस्तों 10 से 12 मई के आसपास कंपनी का जो डाटा है वो यहाँ पे आ सकता है, पर फिलहाल टाइम दोस्तों 24 अप्रैल को जो है कंपनी की बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। 24 अप्रैल को दोस्तों कन्फर्म जो डेट होगी वो ऑलरेडी आ जाएगी, पर फिलहाल टाइम दोस्तों 24 अप्रैल तक आप लोग को वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों तब तक आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग जो ऑर्डर बुक है वो आप लोग को बनानी चाहिए और अभी के टाइम दोस्तों जितनी बाइंग आप करोगे दोस्तों क्वार्टर फोर में उसका प्रॉफिट आप लोग को देखने को नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों क्वार्टर फोर का जो डाटा है एक बार फिर से इंप्रूव होता हुआ नजर आने वाला है, उसमें क्वार्टर थ्री के बजाय दोस्तों क्वार्टर फोर में प्रॉफिट देखने को नजर आ सकता है, बिल्कुल भी लॉस का सामना 99% दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 0.1% दोस्तों अभी के टाइम जो चांस है वो गेट आउट का देखने को नजर आ रहा है, पर दोस्तों 99% का जो चांस है वो यहाँ पे पॉजिटिव डाटा आने का देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट की राय भी है दोस्तों यही देखने को मिल रही है कि क्वार्टर फोर का डाटा आने तक दोस्तों शेयर की जो प्राइस है वो 100+ होने का चांस यहाँ पे नजर आ सकता है। फिलहाल के टाइम दोस्तों होल्डिंग अभी के टाइम आप लोग को बनानी चाहिए। दोस्तों मैं आप लोग को चार्ट एनालिसिस की ओर लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं स्क्रीन। तो दोस्तों एक बार फिर से जो कैंडल्स का जो सपोर्ट जोन है वो एक बार फिर से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव हैमर है वो एक बार फिर से नजर आ रहा है दोस्तों। एक बार फिर के लिए मंडे को जो है बड़ी तेजी के जो है वो यहाँ पे दौड़ नजर आ सकती है, बड़ी रिटर्न में रिकवरी भी नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार का यहाँ पे जो थंबनेल आप लोग को जो हैमर आप लोग को इस प्रकार देखने को मिल रहा है उसी का प्रकार दोस्तों अभी यहाँ पे वापस से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बड़ी जो रिकवरी है वो यहाँ पे नजर आ सकती है, क्योंकि दोस्तों आज का जो हाईएस्ट जंप है वो 65 रुपये प्लस जाता हुआ देखने को नजर आया है और जिस प्रकार का फंडामेंटल यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है उस प्रकार दोस्तों शेयर की प्राइस में एक बार फिर से क्वार्टर फोर पहले बड़ा दोस्तों जंप यहाँ पे नजर आने वाला है। शेयर होल्डर्स के जो है बल्ले बल्ले यहाँ पे हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो मल्टीपल ऑप्शन है वो एक बार फिर से नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों हैमर जो है पॉजिटिव हैमर रिवर्सल प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ सकता है और क्वार्टर फोर का दोस्तों डाटा आने तक शेयर की जो प्रॉफिट जो बनने वाला है वो 80+ का बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लगातार दोस्तों अगला जो प्रॉफिट आप लोगों का जो पिछला जो प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया था वो भी दोस्तों इसी लेवल पर बनता हुआ नजर आया था। जिस प्रकार का यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे बन रही रिकवरी संभव देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आज का ऑर्डर बुक यहाँ पे वॉच किया जाए तो आज का ऑर्डर बुक जो रहने वाला है उसमें 7,61,054 शेयरों की जो सेलिंग क्वांटिटी का जो दौर है वो यहाँ पे एक बार नजर आएगा और 2,42,872 शेयरों की जो बाइंग क्वांटिटी है वो यहाँ पे नजर आने वाली है। पर उसका ऑर्डर बुक आज यहाँ पे देखा जाए तो आज का कारोबार अगर दोस्तों अगर यहाँ पे देखे तो 46,89,709 शेयरों का जो कारोबार है वो ऑलरेडी नजर आने वाला है और इम्पैक्ट कॉस्ट में बड़ी सुधार दोस्तों एक बार फिर से नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम हम लोग को 0.70 की जो इम्पैक्ट कॉस्ट नजर आ रही थी वो आज 0.81 की इम्पैक्ट कॉस्ट यहाँ पे नजर आ रही है।
फिलहाल के टाइम यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो डिलीवरी है वो 35.60 की यहाँ पे नजर आने वाली है, और क्वांटिटी का ट्रेड 42,29,162 शेयरों का ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल में दोस्तों रिकवरी बड़ी तेजी के साथ इंप्रूव होती हुई नजर आने वाली है, और फंडामेंटल में भी रिकवरी यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कंपनी का फंडामेंटल रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों फिलहाल के टाइम आपका इस शेयर के बारे में अपने जो भी फंडामेंटल हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नजर में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।